यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। का ज्ञान जो है वो बाहर निकालना ये ज्यादा श्रेयस्कर होता है, ये पद्धति है। इसीलिए श्री वेद व्यास भगवान ने ये परवर्ती अवतार हैं और पूर्ववर्ती अवतार हैं श्री नारद जी, तो भगवत इच्छा से अपने पूर्ववर्ती अवतार श्री नारद जी के श्रीमुख से परवर्ती अवतार श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद भागवत की शिक्षा प्राप्त की, उपदेश प्राप्त किया। कब कहां कैसे ये प्रसंग बताएंगे। दूसरी जिज्ञासा होती है कि भगवान वंदना के प्रकरण में, मंगलाचरण के प्रकरण में तो आपने कहा कि श्री सुखदेव जी यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। अपने मां के पेट से निकलते ही सुखदेव जी वन के लिए प्रस्थान कर गए। श्री वेद व्यास जी विरह कातर होकर उनके पीछे पीछे डोलते रहे, सुकोहम सुकोहम कहकर के पिताजी के संबोधन परक वचनों का अभिनंदन तो कर दिया, लेकिन सुखदेव जी उस समय लौटे नहीं। ये मंगलाचरण के प्रकरण में आपने कहा। और जब श्रीमद् भागवत की परंपरा देने लग गए तो कहते हैं कि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का उपबृंगण करके और तदिदम ग्राहयामा सुतम आत्मवतांबरम अपने पुत्र आत्मज्ञानी श्रीमणि श्री सुखदेव को पढ़ाया। तो जब सुखदेव जी जंगल चले गए, लौट के आए नहीं, तो फिर वेद व्यास जी ने उनको पढ़ाया कैसे। क्या सुखदेव जी बाद में फिर दोबारा पिताजी के पास लौट के आए हैं क्या। बोले हाँ आए हैं। वह कैसे, ये सारी बातें क्रम क्रम से इन जिज्ञासाओं का उत्तर दिया जाएगा। श्री हरे नमः। अब पहले तो श्री वेद व्यास जी और श्री नारद जी का समागम कब कहां कैसे हुआ, नारद जी ने कैसे श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, व्यास जी को सो प्रसंग ले रहे हैं। द्वापरे समन उप्राप्ते श्री हरे नमः। तृतीय दुपर्ये जात पराशराध योगी वासव्याम कलया हरे। श्री पराशर जी के पुत्र श्री वेद व्यास जी के रूप में प्रकट होकर के प्रभु वेद के चार भाग किए, वेदांत ब्रह्म सूत्रों की भी रचना किए तथा 17 पुराणों का प्रणयन किया और महाभारत जैसा दिव्य इतिहास ग्रंथ। हमारे भारतीय संस्कृति में वेद चार हैं और उपवेद चार हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। ज्योतिर्वेद आयुर्वेद स्थापत्य कला वेद धनुर्वेद इत्यादि ये चार उपवेद कहे गए हैं और 18 पुराण हैं जिनमें श्रीमद् भागवत जी भी हैं और 2 इतिहास हैं। हमारी संस्कृति के 2 प्रमुख इतिहास हैं, प्रथम आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और दूसरा इतिहास ग्रंथ श्री महाभारत। भगवान कृपा की वृष्टि कर रहे हैं, इसलिए जो लोग छाया से बाहर हैं उन लोगों को भीतर ले लीजिए, इसके लिए आप लोग भीतर जगह बना लीजिए, थोड़ा सिमट जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव भगवान की जय। तो श्री वेदव्यास जी वेद के चार भाग कर चुके थे, वेदांत ब्रह्म सूत्रों की रचना कर चुके थे, 17 पुराणों का प्रणयन कर चुके थे और द्वितीय इतिहास ग्रंथ जो महाभारत है उनका भी प्रणयन कर चुके थे। ये सब कुछ लिखा पढ़ी करने के बाद भी श्री वेदव्यास जी की आत्मा को शांति नहीं थी, ये अभी अपने को अकृत कृत्य जैसे अनुभव कर रहे थे।
कृतकृत्य कहते हैं उसको जिसके जीवन में जो कृत्य उसे सौंपा गया था, जिस कृत्य को करने के लिए वो आए थे, वो अभी कृत नहीं हो पाया, उसको अकृतकृत्य कहते हैं। और जो जिस काम के लिए आए वो काम पूरा कर दिए तो उनको कृतकृत्य कहा जाता है। अभी श्री वेद व्यास जी अपने को अकृतकृत्य जैसे अनुभव कर रहे थे, लगता था कि अभी मेरे जीवन का कोई कार्य अधूरा पड़ा है। श्री हरे नमः, यही ऊपर आ जाए सरकार जो जगह रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे जीवन का कौन सा काम अभी अधूरा है, मैं समझ नहीं पाता हूं मुझे आत्मशांति क्यों नहीं मिल रही है, कैसे, छोड़ दीजिए भैया, जैसे हम लोग मोटर गाड़ी में बैठे चले जा रहे हैं, हमारी मोटर कार चलती चलती अगर रुक जाए तो उतर के देखना पड़ता है ना कि तेल खत्म हो गया, कि पाइप में कचरा आ गया, कि कहीं का कोई तार का कनेक्शन छूट गया या निपुल पर कार्बन आ गया, जांचना पड़ता है। अपने से समझ में आ जाता है तो उस भूल को सुधार लिया जाता है, फिर गाड़ी आगे बढ़ जाती है। जो बात अपने से समझ में नहीं आती है उसे अपने से किसी अधिक विशिष्ट विशेषज्ञ मिस्त्री से जानकार से दिखलाकर सुधरवाना पड़ता है। इसी तरह से श्री वेद व्यास जी की जीवन रूपी गाड़ी चलते चलते इस बिंदु पर आकर के रुक गई। अब वो अनुमान करने लग गए कि मेरे जीवन में क्या कसर रह गई है जिससे मैं अकृतकृत्य जैसा अनुभव कर रहा हूं अपने को। अनुमान कर रहे थे, किम वा भागवता धर्मान प्रायण निरूपिता प्रिया परमहंसा नाम तैव अच्युत प्रिया। क्या अभी तक मेरे द्वारा भागवत धर्म का निरूपण नहीं हो पाया है क्या? वह भागवत धर्म जो परमहंसों को भी प्रिय है और उनके द्वारा भी आचरणीय है, आदरणीय है, क्या उस भागवत धर्म का निरूपण अभी मैं नहीं कर पाया हूं, इसीलिए तो मुझे शांति नहीं मिल रही है, ऐसे अनुमान कर रहे थे। लेकिन यही कारण है इसका निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो भगवान ने इसका निर्णयात्मक उत्तर दिलाने के लिए देव ऋषि नारद जी को भेज दिया। कृष्णस्याश्रमम् कृष्णस्य नारदोभ्यागाद आश्रमम् प्रागुदार्थम्। नारद जी पहुंच गए, नारद जी के आते ही व्यास जी उठ के खड़े हो गए। ये नहीं कि हम भी अवतार हैं, तुम भी अवतार हो, तुम्हारे अवतार पर हम क्यों खड़े हो, नहीं, मुनि रघुवीर परस्पर नवहि वचन अगोचर सुख अनुभवहि यथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। तो श्री वेद व्यास जी उठ के खड़े हुए, नारद जी को आसन दिया, बिठाए, प्रणाम किए और इनका पूजन अभिनंदन किए, तिलक लगाए, माला पहराए, आरती उतारी, कुछ खिलाए पिलाए, चरण धोकर चरणोदक भी लिया था। तो इस प्रकार से सब प्रकार से पूजित अभिनंदित करके और जब श्री व्यास जी निश्चिंत हुए तब श्री नारद जी ने इशारा किया, आप भी अपने आसन पर विराज जाओ। जब श्री व्यास जी बैठ गए, नारद जी और व्यास जी आमने सामने अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब श्री नारद जी ने कुशल प्रश्न पूछा। पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिद आत्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। तीन प्रकार का कुशल पूछ रहे हैं, शरीर सुखी है, मन प्रसन्न है, आत्मा संतुष्ट है। इसका मतलब कि स्थूल शरीर की अलग सत्ता महत्ता हो सकती है, इसके भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है मन चित्त बुद्धि अहंकार वाला, उसका की अलग सत्ता महत्ता हो सकती है, और इन दोनों से भी परे इन दोनों को अनुप्राणित करने वाली जो आत्मसत्ता है उसकी अलग स्थिति है। तो शरीर का, मन का और आत्मा का, तीनों का अलग अलग कुशल पूछ रहे।
परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। अभी व्यास की हां नहीं, कुशल है कुशल नहीं है इत्यादि कुछ बोल नहीं पाए, तब तक नारद जी फिर वो आगे बोल उठे, आपने बहुत कुछ किया, वेद के चार भाग किए, वेदांत ब्रह्म सूत्रों की रचना की, महाभारत जैसा इतिहास ग्रंथ का प्रणयन किया, सब कुछ होने पर भी अथापि सोचस्य आत्मानम अकृतार्थैव प्रभो, अभी भी अपने को अकृतार्थ जैसे आप अनुभव कर रहे हैं, लगता है आप अकृतकृत्य जैसे हैं, अकृतार्थ जैसे हैं। महत्पुरुषों में त्रुटि भरसक होती नहीं है, अगर कोई त्रुटि आई तो उन्हें स्वयं अनुभव हो जाता है, और अपने अनुभव न हो दूसरे बड़े अगर बतावें तो उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, और अहंकारी लोगों से कहा जाए कि आप में कुछ कसर मालूम होती है तो मरने मारने को सर फोड़ने को तैयार हो जाएगी, हम में कसर बताने वाले तुम कौन हो। लेकिन श्री व्यास जी महापुरुष हैं, इसलिए इनने स्वीकार कर लिया, हाँ नारद जी आप जैसा कह रहे हो बात ऐसी ही है। बोले क्यों, ये अकृतकृत्यता क्यों, अकृतार्थता क्यों? तो श्री व्यास जी बोले कि क्यों का निश्चय अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप आ गए हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, भगवत स्वरूप हैं, भागवत आचार्य हैं, संप्रदाय आचार्य हैं, आप कृपा करके इस क्यों का उत्तर दीजिए। तब श्री नारद जी ने उत्तर दिया, और वही उत्तर दिया जो श्री व्यास जी का अनुमान था, किंबा भागवता धर्मान प्रायण निरूपता प्रिया परमहंसा नाम तयव यचुत प्रिया। उसी बात को श्री नारद जी ने प्रकारांतर से दोहराया, बोले कि यथा धर्मादेश चार्था मुनिवर्गानुकृता न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णित। जिस प्रकार से आपने धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की महिमा गाई है, उस प्रकार से अभी भगवान की और भगवान की भक्ति की महिमा नहीं गाई है, और जब तक भगवान की और भगवान की भक्ति की महिमा नहीं गाइएगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। और जब लिखने वाले को ही शांति नहीं मिल रही है तो उसके पढ़ने और अनुसरण करने वाले उस परम शांति को कैसे प्राप्त कर जाएंगे? तो प्रश्न होता है कि तो क्या इन 17 पुराणों में भगवान की महिमा नहीं गाई है, भक्ति की महिमा नहीं गाई है, क्या वेदों में भगवान की महिमा नहीं गाई? बोले गाई है, लेकिन यथा धर्म धर्मादेश चार्था वर्णिता तथा न वर्णिता। जैसे आपने धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की महिमा गाई है, नदियों की, जंगलों की, पर्वतों की, तीर्थों की, देवताओं की, देवियों की, ग्रहों की, नक्षत्रों की, यहां तक कि गृहस्थाश्रम में पुत्र की महिमा गाई, ये बिना पुत्र के सुख नहीं, बिना पुत्र के सदगति नहीं, तो इन बातों को पढ़ने वाले वे मूल में सिंचन करने के बजाय वो फुनगी और पत्ते और डाली को सींचने के पीछे पड़ जाएंगे। हालांकि जहां जहां आपने नदी की, जंगल की, पर्वत की, देवी की, देवता की, पुत्र की, पत्नी की, गृहस्थाश्रम की, ये सब महिमा जो गाई है, सो लोगों को भगवान के यहां से विमुख करके और भ्रष्ट करने के लिए, गिराने की भावना से नहीं, बल्कि जैसे बचपन में क से कबूतर, ख से खरगोश पढ़ाया जाता है, केवल कबूतर खरगोश तक सीमित रखने के लिए नहीं, इसके वास्तविक अर्थ कम जलम खम आकाशम तक धीरे धीरे पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी तो जैसी उसकी बुद्धि है उसके अनुसार ही तो उसको पढ़ाया जाएगा ना। तो इस तरह से आपने कहीं कहीं धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, तीर्थ की, व्रत की, नदी की, जंगल की, पर्वत की, देवियों की, देवताओं की, ग्रहों की, नक्षत्रों की महिमा गाई है, भगवान से विमुख करना आपका लक्ष्य नहीं था, लेकिन वहीं तक आपने बात सीमित रख दी है, भगवान की महिमा कहीं कहीं गाई भी है इन ग्रंथों में, तो कैसे गाई है? बोले कि
भगवान की और भगवान की भक्ति की प्रधानता रखते हुए नहीं गाई। उदाहरण देते हैं गुरुजन कि जैसे किसी का ब्याह होता है तो ब्याह में समधि के नाम का भी गीत गाया जाता है, दुल्हा के चाचा और फूफा का भी नाम लेकर के गीत गाए जाते हैं, बरातियों के नाम ले लेकर के भी गीत गाए जाते हैं, लेकिन प्रधानता बरातियों की, दुल्हा के मामा फूफा और चाचा की तो प्रधानता नहीं होती है, प्रधानता तो दूल्हा की होती है। औरों का नाम एक बार दो बार लेकर के गाया जाता है गीत, और दूल्हा का तो बारंबार बारंबार महिमा दूल्हा की बताई जाती है। तो इस प्रकार से अभी तक आपने जहां जहां जिन जिन ग्रंथों में महिमा भगवान की गाई भी है तो उनको बराती की जगह पर रख दिया है आपने, भगवान को दूल्हा की जगह पर रख करके प्रधानता पूर्वक नहीं गाई, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। अब भगवान को दूल्हा की जगह पर मैंने प्रधान रख करके, जैसे सभा में सभापति की प्रधानता होती है, किसी विभाग में विभागाध्यक्ष की प्रधानता होती है, उसी तरह से श्रीमद् भागवत में जब आप भगवान की और भगवान की भक्ति की प्रधानता रखते हुए इनकी महिमा गाइएगा तो आपको पूर्ण शांति मिलेगी। देखिए कविताएं चाहे साहित्यिक अलंकारों से कितनी भी युक्त हो, लेकिन अगर भगवान की महिमा उसमें नहीं गाई गई है तो नजत वचस्थित्र पदम हरेर जसो जगत पवित्रम प्रगणित कर हिचित तद्वायसम तीर्थ मुसंति मानसा नयत्र हंसा निर्मंत्र शिक्षया। जिसमें भगवान की महिमा नहीं गाई गई हो वह कविता वह पुस्तक कितनी भी साहित्यिक अलंकारों से अनुप्रास जमक इत्यादि अलंकारों से युक्त हो तो क्या उसको संत जन नहीं पढ़ते। अलंकारों से कविता की शोभा नहीं होती है, भगवत गुणों से कविता की शोभा होती है। कैसे तो इस पर एक उदाहरण देते हैं, बोले सब भूषण भूषित वर नारी, सब भूषण भूषित वर नारी, समस्त भूषणों से भूषित हो लेकिन सोहन बसन बिना वर नारी। कितने भी वस्त्र और आभूषणों से, कितने भी आभूषणों से अलंकृत हो, सोना चांदी से एड़ी से चोटी तक मढ़ दिया जाए किसी सुंदरी औरत को, विधु बदनी सब भांति संवारी, चंद्रमुखी है मृगलोचनी है खूब गोरी है सुंदरी है, एड़ी से चोटी तक सोना चांदी और हीरा मोती के गहनों से लदी हुई है, लेकिन केवल उसको साड़ी और अंगिया नहीं पहराई जाए, केवल वस्त्र नहीं पहराया जाए तो वह सुंदरी नहीं लगेगी। सुंदरी क्या लगेगी, देखने में उसको पाप लगेगा। आजकल जितनी जितनी पुस्तकें स्टालों पर बिकती हैं, जासूसी उपन्यास सत्य कथा और सरिता माया मनोहर कहानियां इत्यादि, इनमें भगवान की महिमा नहीं गाई जाती है, उनमें तो भगवान की निंदा बल्कि और की जाती है, पुराणों की और ऋषियों की निंदा की जाती है। तो ऐसी पुस्तकों को आंखों से देखना भी पाप है, इसलिए ऐसी पुस्तकों को घर में नहीं लाना चाहिए। भणित विचित्र, इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी लिखते हैं, भणित विचित्र सुख विकृत जो किंतु राम नाम बिन सोहन सो। एक किसी कवि ने लिखा है, इसमें थोड़ा हंस दे और भले इसको मान्यता प्रदान कर दे, और लोग मान्यता प्रदान कर सकते हैं, संत इस कविता को कभी मान्यता नहीं प्रदान कर सकता है। कहते हैं कि हरो हिमालय सेते, शंकर जी हिमालय की बर्फीली चोटी पर क्यों सोते हैं, और हरि सेते चवारिधो, नारायण समुद्र में क्यों सोते हैं क्षीर सागर में, और आकाश से भ्रमते सूर्यो, सूर्य आकाश में क्यों भ्रमण करते हैं, धरती पर क्यों नहीं आते, धरती पर क्यों नहीं बैठते पौड़ते हैं। तो कहते हैं कि जाने मतकुण शंकया, बोले खटमल के डर से। क्या यह बात यथार्थ है, क्या इसमें भगवान की महिमा गाई गई है, नहीं। तो चाहे कितनी भी साहित्यिक अलंकारों से युक्त ऐसी कविता हो उसको संत जन कभी भी आदर नहीं कर सकते। और ठीक इसके विपरीत
तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम् बद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्येषोंकितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। चाहे भाषा एकदम गंवारू गांव की भद्दी भाषा हो, लेकिन अगर पद पद पर उसमें भगवान नाम और गुणों की महिमा गाई गई हो तो सादर कहीं सुनहि बुधता ही मधुकर सरी संत गुणग्राही। इस पर एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज। एक मिथिला के संत हुए हैं श्री प्रयागदास जी, तो जानकी जी को अपनी बहन कहते थे, उनको दुनिया के लोग मामा प्रयागदास जी कहते हैं, लेकिन चूंकि जानकी जी हमारी भी जीजी है इसलिए हम उनको भैया प्रयागदास कहा करते हैं। तो भैया प्रयागदास जी की एक कविता है, देखिए कितनी गंवारू भाषा लगती है, भद्दी भाषा लगती है, भणित भदेश किंतु वस्तु भली वर्णी, वस्तु बहुत अच्छी वर्णित है उसमें, इसलिए सादर कहें सुने बुत्ता ही। कविता सुनिए। हरि हरि केशवा जपत महेशवा, कटत कलेशवा जपवासे, प्रयागदास प्रहलदवा खातिर रघवा हो गइल बघवारे। हरिहरि केशव, हरिहरि केशवा, केशव नहीं कहकर केशवा, जपत महेशवा, महेश नहीं कहकर के महेशवा, हरिहरि केशवा जपत महेशवा। हरि हरि केशव भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर होकर के भी साक्षात महेश भगवान शंकर भी इन नामों का जप करते हैं। इससे क्या होता है, बोले कटत कलेशवा जपवा से, इसके जप से क्लेश कट जाते हैं। किसी का क्लेश कटा, अरे बोले कि प्रयागदास प्रहलदवा खातिर रघवा हो गए बघवा रे। प्रयागदास कहते हैं कि प्रहलाद ने इस नाम का आश्रय लिया तो उनकी रक्षा करने के लिए रघवा मने राघव राम जी हो गए बघवा रे, बघवा मने नरसिंह हो गए। बोलो श्री रघवा भगवान की, बोलो श्री बघवा भगवान की। भाषा भद्दी सी लगती है, गंवारू देहात की, लेकिन वस्तु इसमें भगवान की नाम, भगवान के नाम की, उनके गुणगान की, भगवत अवतार की, प्रहलाद जी की भक्ति की महिमा वर्णित है, इसलिए इस तरह की कविताओं का आदर करते हैं संतजन। हे व्यास जी, आप मेरी आप बीती घटना सुनिए, आपको प्रेरणा मिलेगी। नारद जी ने आप बीती सुनाई, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, अपनी होनी मैं नारद कैसे बन गया। ये अपनी होनी नारद जी, अंग्रेजी में इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यास्चन वेदवादिनाम, निरूपितो बालक एव योगिनाम, निरूपितो बालकेश योगिनाम, शुश्रूषणे प्रावृश निर्विवक्षताम। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। इस पर भी बहुत लोग शंका कर लेते हैं। अभी तो कहा कि नारद जी 24 अवतार में से एक है, और अभी नारद जी कह रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। दोनों में से कौन बात सत्य है, बोले दोनों बात सत्य है। अरे भगवान का अवतार जब कछुआ के रूप में और मछली के रूप में हो सकता है, तो भगवान का अवतार दासी पुत्र के रूप में अथवा उपबरण गंधर्व के रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भगवान का अवतार किसी रूप में हो सकता है। वे पूर्व जन्म में बता रहे हैं नारद जी कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां नौकरी करती थी, कहां, ये सौभाग्य की बात है कि किसी शराबी कबाबी मांसाहारी वेश्यागामी भगवत विमुख के यहां नौकरी नहीं करती थी, एक वैष्णव संत सेवी ब्राह्मण के घर में नौकरी करती थी। श्री स्वामी यमुनाचार्य जी आलंदार स्तोत्र में कहते हैं कि हे प्रभु, हमें मनुष्य भले मत बनाओ, कीड़ा मकोड़ा ही बनाओ, लेकिन कहां का, बोले तब दास सुखई के संगीनाम भवने स्वस्त्वपि कीट जन्म में, आपके भक्तों के घर का बनाओ, कीड़ा मकोड़ा ही सही, क्योंकि उनके यहां रहने से वो कीर्तन करेंगे तो कान में नाम पड़ेगा,
वो भगवान का भोग लगा करके प्रसाद पा करके जब आचमन करेंगे तो उनके हाथ में लगा हुआ प्रसाद का कण नीचे धुल करके जब गिर पड़ेगा, मैं चेटी बन करके भी अगर मैं उसे उठा करके मुंह में धर लूंगा तो उस भगवत प्रसाद की कर्णिका के प्रसाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। तो श्री नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ एक वैष्णव संत सेवी ब्राह्मण के घर में नौकरी करती थी, तो माँ के जिम्मे तो काम धंधे थे बहुत, बुहारी लगाना, बर्तन मांजना, गोबर कंडा इत्यादि का काम करना। मैं छोटा सा बालक था, मेरे जिम्मे कोई काम नहीं था, इसलिए मैं निश्चिंत हो करके, यद्यपि बचपन था, बचपन में बहुत से बच्चे बहुत चंचल होते हैं, एक दूसरे से छेड़छाड़, लड़ाई झगड़ा, हल्ला गुल्ला, उछल कूद मचाते रहते हैं, लेकिन मैं बालक होकर के भी हल्ला गुल्ला उछल कूद छेड़छाड़ गाली गलौज वाला संस्कार नहीं था मेरा। मैं शांत भाव से उन ब्राह्मण देव के यहाँ जो ठहरे हुए संत लोग थे, चातुर्मास व्रत कर रहे थे, तो उन संतों के पास बैठ करके मैं देखा करता था कि ये बाबा कैसे भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, ये बाबा कैसे पाठ कर रहे हैं सुनता था, ये बाबा कैसे कीर्तन कर रहे हैं। तो भले मेरी समझ में नहीं आवे, लेकिन उनके दर्शन से मुझे आनंद बहुत आता था। महात्मा भी बड़े प्रसन्न होते थे कि देखो और बच्चे तो गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, अल्लाह गुल्ला, उछल कूद में लगे हुए हैं, अरे ये बच्चा कितना संस्कारी है कि शांत भाव से संतों के पास बैठ करके और कथा कीर्तन भजन पूजा पाठ इत्यादि में मन लगा रहा है। कोई कोई महात्मा पूछ देते, बेटा बड़े ध्यान से सुनते हो, कुछ समझ में आता है? बाबा समझ में तो नहीं आता, लेकिन आनंद बहुत आता है आप लोगों के दर्शन से और आपके वाणी से। अच्छा, तुम्हें कीर्तन गाने आता है? ना बाबा, कीर्तन गाने नहीं आता है, लेकिन मन में आती है कि अगर हमको भी आप लोग सिखा दें तो मैं भी कीर्तन गाऊं, मन में है ना? बोले हाँ। अच्छा तो आओ, हम तुम्हें कीर्तन सिखा देते, ले पहले भगवान का चरणों तक ले लो, चरण पी लो और माथे पर ला लो, ले भगवान का प्रसाद ले, चरणों तक प्रसाद भी मिलता, उनके चरणों की धूली उठाकर मैं माथे से लगाता। और महात्मा ने कीर्तन सिखाया, छोटी छोटी गैया मेरी, छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटी छोटी गैया मेरी, छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटो सो हमरो मदन गोपाल लाल, छोटो सो हमरो मदन गोपाल लाल, का खावे गैया मोरी, का खावे ग्वाल बाल, का खावे गैया मेरी, का खावे ग्वाल बाल, का खावे हमरो मदन गोपाल लाल, खावे गैया मोरी, दूध पीवे ग्वाल बाल, खावे गैया मोरी, दूध पीवे ग्वाल बाल, माखन मिश्री खावे मोरो मदन गोपाल लाल, माखन मिश्री खावे मोरो मदन गोपाल लाल, कहां बस गैया मोरी, कहां बस ग्वाल बाल, कहां बस गैया मोरी, से हमरो मदन गोपाल लाल, से हमरो मदन गोपाल लाल, वन में बस गैया मोरी, घर में बस ग्वाल बाल, वन में बस गैया मोरी, घर में बस ग्वाल बाल, हृदय बस हमरो मदन गोपाल लाल, हृदय बस हमरो मन में बस हमरो मदन गोपाल लाल, मन में बस हमरो मदन गोपाल लाल, छोटी छोटी गैया मोरी, छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटी छोटी गैया मोरी, छोटे छोटे ग्वाल बाल,
कृष्ण भगवान की जय। छोटा सा बच्चा छोटा सा कीर्तन सिखा दिया, गाने आ गया, गाने लगे, बच्चों का स्वर बड़ा प्यारा लगता है, महात्मा भी खुश और बालक भी खुश, हमको कीर्तन गाने आ गया, गुरुजी ने हमको कीर्तन गाने सिखा दिया, गुरुजी ने हमको प्रसाद दे दिया, गुरुजी ने हमको चरणोदक दे दिया, ऐसे संस्कार परिमार्जित होता गया। चातुर्मास व्रत संपन्न हुआ, महात्मा लोग अपने अपने आसन उठा करके चलने को तैयार हुए। मैं व्याकुल हो गया, बाबा आप लोग चले जाओगे? हाँ बेटा यही नियम है, आए हैं सो जाएंगे। अच्छा श्री हरे नमः, थोड़ी जगह की गुंजाइश करके महात्मा लोगों को बिठा लीजिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरे नमः।